तो बेटा आज जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर, उसका नाम है फर्टिलाइजेशन। ठीक है। एक्चुअली जो आपने पढ़ा है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप एक्चुअली जो टॉपिक पढ़ रहे हो वो उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी कंप्लीटेड इनटू फोर स्टेप्स। नंबर वन, गैमेट फॉर्मेशन। नंबर टू, पॉलिनेशन। नंबर थ्री, फर्टिलाइजेशन। एंड नंबर फोर, सीड फॉर्मेशन। तो ये कॉन्टिन्यूस टॉपिक होते हैं बेटा, इसको हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे यहाँ पर इस टॉपिक को, थर्ड टॉपिक को, जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन। तो अभी तक आपने देखा कि सबसे पहले यहाँ पर गैमिट्स तैयार हो गए, मेल और फीमेल गैमिट्स तैयार हो गए, ठीक है। उसके बाद कैसे मेल गैमिट फीमेल गैमिट तक पहुँचा, और अब कैसे फर्टिलाइजेशन होगा, वो चीज़ यहाँ हम पढ़ेंगे। तो फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो शुरू होता है, वो स्टार्ट होता है मेनली टू पार्ट्स को लेते हुए, मेल गैमिट्स एंड फीमेल गैमिट्स को लेकर के। ठीक है बेटा, ओके। तो पहले मुझे बताइए, मेल गैमिट्स कहाँ पर बनते हैं प्लांट में? चेक एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में एंड्रोजन। बेटा टू पार्ट्स होते हैं, इसमें से एक पार्ट होता है एंथर। एंथर कंसिस्ट ऑफ पॉलन चैम्बर, पॉलन सैक और पॉलन चैम्बर, एंड दैट कंसिस्ट ऑफ पॉलन ग्रेन। ओके, नेक्स्ट फीमेल गैमिट्स कहाँ होता बच्चा? गाइनोशियम। ओके, गाइनोशियम का एक पार्ट होता है ओवरी, एंड ओवरी कंसिस्ट ऑफ ओव्यूल। ये आप जनरली जानते हो, लेकिन इनके स्ट्रक्चर्स में थोड़ा सा चीज़ें होती हैं जिसको हमें यहाँ पर पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे हमारे यहाँ के कॉन्सेप्ट से, इसका नाम है आपका मेल गैमिट। स्लाइड दिख रही बेटा प्रॉपर आपको? यस यस और सर। नो? तो स्लाइड जो दिख रही है उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेल गैमिट के बारे में, जिसका नाम होता है बेटा पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन अगर हम जनरली देखें बेटा, तो कुछ इस तरह से होती है, जो डायग्राम आपका दिखाएगा वो इस तरह से होती है। देखिए, इट इज बाई लेयर्ड स्ट्रक्चर, जिसमें इसका बाहर का स्ट्रक्चर जो होता है थोड़ा सा रफली होता है बेटा। ठीक है, पॉलन ग्रेन इज बाई लेयर्ड स्ट्रक्चर, इट्स आउटर लेयर इज नोन एज एग्जाइन, एंड इनर स्मूथ लेयर इज नोन एज एंटाइन। ये डायग्राम आपकी बुक से ही लिया गया, बुक में ही डायग्राम बना है, उसी चीज को आप इजी समझ सकते हो। देखो, आउटर रफ लेयर इज एग्जाइन, इंटरनल सॉफ्ट लेयर इज व्हाट? एंटाइन। इट कंसिस्ट ऑफ टू न्यूक्लियस, दिख रहा है बेटा? द वन इज जेनरेटिव न्यूक्लियस, एंड नंबर टू इज ट्यूब न्यूक्लियस। दिख रहा है बेटा? जेनरेटिव न्यूक्लियस एंड ट्यूब न्यूक्लियस, एंड दिस साइड इज नोन एज जर्म पोर। ओके, डायग्राम दिख गया बेटा आपको? सही है सर? नो? ओके, जनरेटिव न्यूक्लियस फॉर्म्स मेल न्यूक्लियस, इट फॉर्म्स मेल न्यूक्लियस और मेल न्यूक्लियाई। ट्यूब न्यूक्लियस फॉर्म्स पॉलन ट्यूब। ठीक है, व्हाट डज इट फॉर्म्स? इट फॉर्म्स पॉलन ट्यूब। ठीक है, और जर्म पोर क्या होगा? जहां से पॉलन ट्यूब राइज करेगी। ठीक है, राइज, राइजिंग पॉइंट ऑफ पॉलन ट्यूब। ओके बेटा,
समझ में आया? तो ये एग्जैक्टली स्ट्रक्चर होता है आपका किसका, किसका, मेल गैमिट का. मेल गैमिट कंसिस्ट ऑफ टू लेयर, इट इज कंसिस्ट ऑफ, इट इज बाई लेयर स्ट्रक्चर. द आउटर टफ रफ स्ट्रक्चर इज नोन एज एक्साइन. उसके नीचे जो सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, स्मूथ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, दैट इज एंटाइन. इट कंसिस्ट ऑफ टू न्यूक्लियस, द वन इज जनरेटिव न्यूक्लियस, अनदर इज ट्यूब न्यूक्लियस. जनरेटिव न्यूक्लियस फॉर्म्स मेल न्यूक्लियाई, ट्यूब न्यूक्लियस फॉर्म पोलन ट्यूब, एंड वन पोर कंसिस्ट ऑफ जर्म पोर फ्रॉम वेयर पोलन ट्यूब राइज. ओके बेटा, यस और नो? यस सर. पक्का? कोई दिक्कत नहीं? नो सर. क्लियर है ना? ओके. अब देखिए, जनरली होता है क्या है बच्चा इसमें, अभी जब ये चीज, ये वाला डायग्राम अभी जब आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, पहले आप डायग्राम समझ लेते हैं. मेल गैमेट समझ जाएगा बेटा पूरा? यस और नो बेटा? ओके. द नेक्स्ट वन इज फीमेल गैमेट. जब भी आप देखते हो बेटा ये डायग्राम, ये डायग्राम आपने देखा होगा, ये पिक्चर की तरह आपका पूरा ऐसा डायग्राम बना होता है ना, इस तरह से. दिस इज स्टिग्मा, द मिडल वन इज स्टाइल, एंड द सॉलन वन इज ओवरी. ओवरी कंसिस्ट ऑफ दिस स्ट्रक्चर. दिख रहा है आपको ऐसे करके, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे करके दिख रहा है बेटा? दिस पार्ट होल्ड्स फीमेल गैमेट. ओके, फीमेल गैमेट, एंड दिस इज ओव्यूल. ओके बच्चा, व्हाट इज दैट? ओव्यूल. और जो ये पार्ट दिख रहे हैं आपको, जो ये फिंगर लाइक पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला, इसको बोलते हैं आप इंटेग्यूमेंट्स. क्या बोलते हैं बच्चा? इंटेग्यूमेंट्स. ओके, बात समझ में आई? जो ये आपका डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें इस तरह से इंटेग्यूमेंट्स होंगी. ये दिख रहा है अलग से जो मैंने ड्रॉ किया आपको, देखिए इसमें दिख रहा है येलो वाला जो दिख रहा है आपको, दिस इज इंटेग्यूमेंट्स. ठीक है, दिस फॉर्म्स इंटेग्यूमेंट्स. ठीक है, क्लियर बेटा? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, अब इस ओव्यूल वाले पोर्शन को, जो ये ओव्यूल वाला पोर्शन है, अगर इसको हम जूम करके देखें तो ये स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर, इसका सिंगल ओव्यूल. ठीक है, जो एंड इसका ओपन एंड है, मतलब ये बाहर की तरफ हिस्सा दिख रहा है आपको, That end is known as micropylar end. क्या बोलते हैं बच्चा इसको हम लोग? Micropylar end. ठीक है, जो open portion है बाहर की तरफ है, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? Micropylar end. इसको opposite end जो बोला था, उसको बोला था बेटा chalazal end. ठीक है, chalazal end. Okay बेटा, देखिए ये जो open portion है, ये वाला open portion है, यहाँ पे micropylar end, और back side portion क्या होगा बेटा इसका? Chalazal end. माइक्रोपाइलर एंड कंसिस्ट ऑफ थ्री सेल्स. देखिए थ्री सेल्स दिख रहे हैं आपको, वन टू थ्री, थ्री सेल्स दिख रहे हैं बेटा. माइक्रोपाइल एंड कंसिस्ट ऑफ थ्री सेल्स, चलाजस्ट एंड कंसिस्ट ऑफ ऑल्सो थ्री सेल्स, एंड वन सेल इन द सेंटर. ठीक है, टोटल हाउ मेनी सेल्स यू आर एबल टू सी? सेवन सेल. देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, हाउ मेनी सेल बताइए? टोटल नंबर ऑफ सेल सेवन. कैसे? थ्री एट माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड, थ्री एट चलाजल एंड, एंड वन एट सेंटर. ठीक है, समझ में आया? माइक्रोपाइलर एंड पे बेटा टू टाइप के सेल्स होते हैं. द टाइप इज सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल, इनकी नंबर कितनी थी बेटा? टू. और वन एग सेल, इनकी नंबर कितनी होती है? वन. ठीक है, और जो ये वाले सेल होते हैं बेटा, इनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल.
ओके बेटा, बात समझ में आई? तो हाउ मेनी सेल्स आर प्रेजेंट इन ओव्यूल? सेवन सेल। अब न्यूक्लियस काउंट करिए बेटा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, हाउ मेनी न्यूक्लियस? एट। तो ओव्यूल इज सेवन सेल एंड एट न्यूक्लियस स्ट्रक्चर। अंडरस्टूड? एट न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर, बात सुनिए बेटा, ओव्यूल इज सेवन सेल एंड एट न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर। दिख रहे हैं आपको बेटा एट न्यूक्लियस? सेवन सेल दिख रहे हैं? बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं दोनों पार्ट में। दिस इज पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन आउटर वॉल इज एक्साइन देन इंटाइन, टू न्यूक्लियस, द वन इज जनरेटिव एंड वन इज ट्यूब न्यूक्लियस। जनरेटिव न्यूक्लियस फॉर्म मेल न्यूक्लियाई एंड ट्यूब न्यूक्लियस फॉर्म पॉलन ट्यूब। और एक जो जगह होगी जहां से पॉलन ट्यूब राइज करेगी, दैट पोर इज नोन एज जर्म पोर। ओके बेटा, क्लियर? ओके। फिर ओवरी कंसिस्ट ऑफ ओव्यूल द फीमेल गैमेट। अच्छा, सिंगल होता है बच्चा, अगर एक ही ओव्यूल है देन इट इज नोन एज ओव्यूल। अगर मेनी है बेटा, एक से ज्यादा है, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? लोक्यूल बोलते हैं। ओके भाई, आप देखते हो गए कई सारे प्लांट ऐसे होते हैं, अंदर बहुत सारे सीड होते हैं। जैसे पपाया के अंदर बहुत सारे सीड है कि नहीं? वाटरमेलन के अंदर बहुत सारे सीड है, मैंगो के अंदर सिंगल सीड है कि नहीं? बताइए भाई, सिंगल सीड का इंडिकेशन ये है कि दे आर हैविंग अ सिंगल ओव्यूल, बट बहुत सारे सीड का मतलब है दे आर हैविंग मैनी ओव्यूल, एंड द मैनी ओव्यूल नोन एज लोक्यूल। ओके, अंडरस्टूड बेटा? क्लियर? यस और नो? बेटा देखो, पार्टिसिपेट करो, जब तक नहीं समझ बोलोगे, जब तक नहीं बताओगे तब समझ नहीं आएगा, ठीक है? अभी ये समझ में आया बेटा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आया पूरा? कोई दिक्कत नहीं इस पार्ट में? इस पार्ट में कोई दिक्कत नहीं? क्लियर है ना? मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों समझ में आ गए? ओके, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते फर्टिलाइजेशन के ऊपर, ठीक है? अब आगे का पार्ट है हमारा फर्टिलाइजेशन, इसके बाद पार्ट होगा फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले आती है डेफिनेशन, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? तो लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ओके बच्चा, बात समझ में आया? द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज टू फॉर्म जाइगोट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। आपके बुक में क्वेश्चन आता है बेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, ठीक है? पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, तो दोनों में बेटा डिफरेंस है, आपको डेफिनेशन से दिख रहा होगा कि मेल से फीमेल तक जो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ है, दैट ट्रांसफर प्रोसेस इज पॉलिनेशन। ओके, यहां पर केवल क्या हुआ है बेटा? ट्रांसफर प्रोसेस। बट जहां पर फ्यूजन हुआ होगा, ठीक है, जहां पर फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, फर्टिलाइज किया होगा, दैट प्रोसेस इज फर्टिलाइजेशन। अंडरस्टूड बेटा? ठीक है, देखो यहां पे फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को दिखाया जा रहा है, और अल्टीमेटली लास्ट में क्या बन के आएगा? जायगोट। और जायगोट बाद में किसमें कन्वर्ट होगा बेटा? सीड में, सीड में। जायगोट किसमें कन्वर्ट होगा? सीड में, और सीड बाद में सीडलिंग्स को प्रोड्यूस करेगा। ओके बेटा, बात समझ में आ गई? यहां देखो कई सारे ओव्यूल आपको दिख रहे हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, दिख रहे हैं ना आपको?
सर, दीज आर नोन एज वॉट, लोक्यूल, दे आर नोन एज लोक्यूल. क्लियर बेटा? तो कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, बताइए. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मेल गैमिट फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन, वेयर द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. क्लियर? कोई दिक्कत? ओके, आगे बढ़ते भाई. अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, वो होता है आपका. अब सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स क्या होते हैं. एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, होल्ड ऑन अ मिनट. देखो भाई, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स क्या होते हैं, जो फुली डेवलप्ड प्लांट ग्रुप है बेटा, फुली डेवलप्ड प्लांट ग्रुप. ठीक है, अभी पहले जो मैं लिख रहा हूँ उसको समझना, बाद में पीछे का ये चीज देखना तो आपको पूरा क्लियर आ जाएगा. फुली डेवलप्ड प्लांट ग्रुप जो होता है बेटा इज नोन एज एंजियोस्पर्मिक प्लांट. जो हमारे आसपास के प्लांट होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, उनको क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? एंजियोस्पर्मिक प्लांट है. मैंगो है, पीपल है, बनान, ये सब जो प्लांट्स आपके होंगे, कैसे होंगे आपके, ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट है. अब शुरू होता है, सबसे पहले जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उनका एक फीचर होता है, दे आर हैविंग डबल फर्टिलाइजेशन, मतलब दे शो टू टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन. ठीक है, अब कैसे होता है तो ये बात करते हैं. देखो भाई, ये स्ट्रक्चर अभी आपने देखा था, मुझे बताना क्या चीज होती है ये. क्या था ये, क्या चीज थी ये सर? पॉलन ग्रेन मैच्योर. पॉलन ग्रेन थी ये. ठीक है, होता है क्या है बेटा, सबसे पहले पॉलन ग्रेन का ट्यूब न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस पुश दिस साइड टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर नोन एज पॉलन ट्यूब. ठीक है, टू फॉर्म अ पॉलन ट्यूब. देखो दिख रहा है, ये आपका पॉलन ग्रेन आया, ट्यूब न्यूक्लियस फ्यूज करा, ट्यूब न्यूक्लियस ने फ्यूज करके यहां से पॉलन ट्यूब राइज करी. दिख रहा है आपको, दिख रहा है इस डायग्राम में अभी? यस सर. और पॉलन ट्यूब को इस तरह से किया जाता है बच्चा कि इसमें आगे की तरफ वैसे चलता है, ये आपका ट्यूब न्यूक्लियस मूव कर रहा होता है. दिस इज ट्यूब न्यूक्लियस. ठीक है बेटा, व्हाट इज दिस? दिस इज ट्यूब न्यूक्लियस. वो आगे पुश करता रहेगा, पॉलन ट्यूब नीचे की तरफ बढ़ती रहेगी. अब इसी के साथ साथ पीछे इंट्रोड्यूस होता है इसके जनरेटिव न्यूक्लियस. कौन इंट्रोड्यूस होता है बेटा इसके अंदर, पॉलन ट्यूब के अंदर? जनरेटिव न्यूक्लियस. बट बिफोर इंट्रोड्यूसिंग इट, दे ब्रेक्स इंटू टू इक्वल हाफ, मीन्स दे फॉर्म, दे डिवाइड इंटू टू मेल न्यूक्लियाई, मीन्स प्राइमरी मेल न्यूक्लियाई एंड सेकेंडरी मेल न्यूक्लियाई. ओके बेटा, देख रहा है डायग्राम में आपको? ठीक है, तो आप मुझे बता सकते, क्वेश्चन आता है ये भी आपके, कि हाउ मेनी न्यूक्लियस यू आर एबल टू सी इन पॉलन ग्रेन? टू. एंड हाउ मेनी न्यूक्लियाई यू आर एबल टू सी इन पॉलन ट्यूब? थ्री. प्राइमरी मेल न्यूक्लियाई, सेकेंडरी मेल न्यूक्लियाई एंड ट्यूब न्यूक्लियस. ओके बेटा, ओके बेटा, समझ में आया? ठीक है, अब ये पॉलन ट्यूब राइज करते 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 जाएगा कहां है पता आपके? ओव्यूल के पास. ये स्ट्रक्चर था ना आपका ओव्यूल का, ये स्ट्रक्चर था ना ओव्यूल का, इसमें ऐसे 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 और ऐसे 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 करके सेल अरेंज थे ना. तो यहां पर पॉलन ट्यूब आकर के ऐसे करके अटैच होगा,
और जैसे ही अटैच होगा वैसे यहाँ पर एक पोर्शन को रप्चर कर देगा, इस दीवार को तोड़ देगा। दैट रप्चर बॉल फॉर्म्स अ माइक्रो पाइल, यहाँ पे था ना माइक्रो पाइल, साइड में था ना नीचे की तरफ पे, रप्चर करेगा और यहाँ पर रिलीज कर देगा। अच्छा जैसे इस वॉल को रप्चर करेगा बेटा, इस माइक्रो पाइल एंड पे एक पोर हो जाएगा, एक छेद हो जाएगा और यहाँ से निकल करके दोनों प्राइमरी या सेकेंडरी मेल न्यूक्लियाई अंदर आ जाएंगे। बात समझे, बात समझे। देखिए ध्यान से, यहां से ये पॉलन ग्रेन आया इसके ऊपर, यहां पे देखिए पॉलन ट्यूब राइज करी, पॉलन ट्यूब राइज कर रही है, ओव्यूल तक पहुंचा। ओव्यूल पे आने के बाद अब देखिए ये जेनेटिव न्यूक्लियस आ रहा, पहले ट्यूब न्यूक्लियस पहुंचेगा फिर जेनेटिव न्यूक्लियस, देखिए टू पार्ट्स में डिवाइड होकर पहुंच गए। अब यहां पर जब स्पर्म सेल या न्यूक्लियस पहुंच गए यहां पर, तो देखिए यहां से इंट्रोड्यूस होगा, यहां पर इसको रप्चर करेगा बेटा, दिख रहा है आपको बेटा इस वॉल को रप्चर कर रहा है आपको, ठीक है इस वॉल को रप्चर करेगा बेटा, यहाँ पर इस वॉल को रप्चर करेगा तो ट्यूब न्यूक्लियस यहाँ से गायब हो जाएगा, क्योंकि ट्यूब न्यूक्लियस का काम क्या है बेटा, इन दोनों सेल्स को पहुंचाना कहाँ तक के, ओव्यूल के अंदर। और जैसे ही रप्चर हुआ वैसे दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी मेल न्यूक्लियस स्पर्म न्यूक्लियस पहुंच गए इस ओव्यूल के अंदर। क्या आपको ये दो ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं आपको बेटा, यस और नो? ठीक है, दीज आर रेस्पेक्टिवली प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेल न्यूक्लियाई। ओके बेटा बात समझे, दे आर रेस्पेक्टिवली प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेल न्यूक्लियाई। ओके अब ध्यान दीजिए, यहां पर जो प्राइमरी मेल न्यूक्लियाई है बेटा, प्राइमरी मेल न्यूक्लियाई फ्यूजेस विथ एग सेल, ये किसके पास आ जाएगा बेटा, एग सेल के पास, दिख रहा है आपको एरो, दिस इज एग सेल एंड द अदर टू आर सिनर्जिड सेल, याद है ना, इट गोज विद द एग सेल। प्राइमरी मेल न्यूक्लियस फ्यूजेस विद एग सेल टू फॉर्म व्हाट, जायगोट, एंड दैट जायगोट विल गिव राइज सीड। ओके अंडरस्टूड, दिस प्रोसेस इज नोन एज सिनगैमी, दिस प्रोसेस नोन एज सिनगैमी। ओके बेटा बात समझ में आई। अच्छा जो सेकेंडरी मेल न्यूक्लियाई है बेटा, सेकेंडरी मेल न्यूक्लियाई फ्यूजेस विद जो यहां पे आपके सेंट्रल सेल हैं, सेंट्रल सेल देखो ये आपका पोलर न्यूक्लियस सेंट्रल सेल वाले हैं ना आपके, दिख रहे हैं, एंड आउटर सेंट्रल सेल दे फॉर्म एंडोस्पर्म, व्हाट दे फॉर्म एंडोस्पर्म, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म स्टोर्स फूड, स्टोर्स फूड फॉर फ्यूचर। ओके बेटा व्हाट दे डू, दे स्टोर्स फूड फॉर फ्यूचर। तो देखिए एक बार ये हुआ, एक बार ये हुआ, तो हाउ मेनी काइंड, हाउ मेनी टाइम दे शोइंग फर्टिलाइजेशन, टू टाइम, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन, वन बाय प्राइमरी एंड अदर बाय सेकेंडरी। ओके बेटा बात समझ में आई, पक्का कोई दिक्कत नहीं, बताइए भाई कोई दिक्कत। अब देखो एक बार फिर से समझ लेते हैं पूरी साइकिल क्या हुई, अब आपको दिखेगा अभी यहां से। देखिए पॉलन ग्रेन पहुंचा है आपका और पॉलन ट्यूब राइज हो रही है, पॉलन ट्यूब डायग्राम में देखिए पहुंची ओव्यूल के पास, ओव्यूल के पास पहले ट्यूब न्यूक्लियस पहुंचा, उसने रप्चर करके जेनेटिव सेल को पहुंचाया। देखिए यहाँ पर जेनेटिव सेल टू पार्ट में ब्रेक हो गए हैं, प्राइमरी मेल न्यूक्लियस सेकेंडरी मेल न्यूक्लियस, दिख रहा है आपको स्पर्म सेल, एक चला गया आपका एग सेल के पास, एक चला गया आपका पोलर न्यूक्लियस के पास। जो एग सेल के पास गया वो जायगोट बना रहा है, जो एग सेल के पास गया वो जायगोट बना रहा है, और जो पोलर सेल के पास गया वो एंडोस्पर्म बना रहा है। उसके बाद धीरे धीरे फिर ये आगे प्रोसेस जाएगा, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके बेटा बात समझ में आ गया, बात समझ में आई, यस कोई दिक्कत, नो सर, पक्का कोई दिक्कत नहीं। अच्छा नो आप सर, मुझे ये बताइए,
सेकेंडरी मेल न्यूक्लियाई हैविंग वन न्यूक्लियस एंड सेंट्रल सेल कंसिस्ट ऑफ टू न्यूक्लियस, यस और नो? द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू आर नोन एज, अ वर्ड गिवन टू इज ट्रिपल फ्यूजन। जैसे इसको सिंगामी कहते हैं वैसे इसको क्या बोलते हैं बेटा? ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ओके, कितने न्यूक्लियस है खुद देखो, सेकेंडरी मेल न्यूक्लियस का एक न्यूक्लियस और सेंट्रल सेल के कितने न्यूक्लियस बेटा? टू न्यूक्लियस, ठीक है, टू न्यूक्लियस। तो वन प्लस टू हाउ मेनी न्यूक्लियस? थ्री थ्री। थ्री दैट इज वाई दे आर हैविंग वर्ड ट्रिपल न्यूक्लियस, ट्रिपल फ्यूजन। ओके, बात समझ आई बेटा? कोई दिक्कत? यस पक्का कोई दिक्कत नहीं? सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब अगर ये फर्टिलाइजेशन हो गया है तो इसके बाद होंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, यानी फ्लावर में कुछ चेंजेस होंगे। फ्लावर के अंदर कुछ नेसेसरी वर्ड्स दिखते होंगे आपको, आपने नाम सुना होगा और आपने पढ़ा भी ऑलरेडी, कैलिक्स, कॉरोला, एंड्रोशियम, ग्रेजुएशन गाइनोशियम। और गाइनोशियम में मेनली थ्री पार्ट्स पड़े होंगे, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी ओवरी, और ओवरी में ओव्यूल। ठीक है, तो देखते हैं, ये सारी चीजें फर्टिलाइजेशन के पहले प्लांट्स में यानी फ्लावर में होती हैं। कैलिक्स, कैलिक्स का क्या होता है फर्टिलाइजेशन के बाद? कैलिक्स विदर्ड हो जाता है, टूट करके मुरझा करके गिर जाता है, मुरझा के गिर जाता है, बट सम टाइम रिमेन्स अटैच, सम टाइम प्रेजेंट इन फ्रूट ऑल्सो, कभी कभी फ्रूट में होता है। कभी देखा है आपने ये ब्रिंजल के ऊपर इस तरह से कैपिंग, इस तरह से क्राउन देखा होगा ब्रिंजल के ऊपर, देखा है? यस यस सर और चिलीज में देखा होगा, लेडी फिंगर में देखा होगा इस तरह से कैपिंग करके। दीज आर कैलिक्स, अंडरस्टूड? कैलिक्स मतलब सेपल होते हैं ये कभी कभार, बट जनरली गिर जाते हैं ये। बात सुनाई बेटा? ठीक सर है, कोरोला, पेटल्स। अच्छा, पेटल्स का यूज है प्रोटेक्शन के बाद, पेटल्स का काम क्या था? प्रोटेक्शन क्या अभी भी प्रोटेक्शन के लिए, अट्रैक्शन अभी भी अट्रैक्शन का काम है कोरोला का? नो सर नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे? विदर्ड हो जाएंगे, मुरझाकर गिर जाएंगे, विदर्ड। एंड्रोशियम, क्या मेल पार्ट का अभी भी काम है? स्टेमन, एंथर का कोई काम है? नो सर विदर्ड, नो ये भी सर रिमूव हो जाएगा। स्टिग्मा, अभी भी रिसीविंग का कोई काम है? नो सर विदर्ड, रिमूव हो जाएगा यहाँ से। स्टाइल का कोई काम है? नो सर ये भी रिमूव हो जाएगा। ओवरी काम है? नो बिल्कुल है, सर ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा। ये स्टेप पे देखिए, ओवरी किस में कन्वर्ट हो रही है? फ्रूट में, देखिए देखिए, दिख रहा है ओवरी किस में कन्वर्ट हो रही है? फ्रूट यस सर में। और ओव्यूल किस में कन्वर्ट होंगे बेटा? सीड में, सीड सीड में कन्वर्ट होंगे। और जो लगे थे आपके इंटेग्यूमेंट्स, इंटेग्यूमेंट्स लगे थे ना, इंटेग्यूमेंट्स बन सर जाएंगे बेटा आपके सीड कोट, सीड के ऊपर की कवरिंग, सीड कोट बन जाएगा बच्चा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो टोटल सर आपका फर्टिलाइजेशन इतना होता है। और सर हाँ बच्चा, प्लासेंटा सर प्लासेंटा सर क्या होगा? बेटा अंदर की वॉल बनेगी आपकी, जो ओवरी के, ओव्यूल के अंदर वाली वॉल होती है, जिस तरह से अटैचमेंट था आपका ओवरी का, ये वाला जो वॉल आपका दिख रहा है स्क्रीन पर, ये वाला होगा आपका। ठीक है, ये प्लेसेंटा बनेगा आपका। ठीक है, वो तो अंदर की स्किन होगी ना, ये वाली, ये जो स्किन है आपकी, दिख रहा है? दिस फॉर्म प्लेसेंटा। ओके, यस और सर ओवरी वॉल बन जाएगी फ्रूट वॉल। ओके, ये बन जाएगी फ्रूट वॉल। तो टोटल इतना है आपका फर्टिलाइजेशन कॉन्सेप्ट, समझ में आया बेटा? दिस मच इज ओनली फर्टिलाइजेशन, क्लियर?